नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, लेकिन थोड़े से वेरिएशन के साथ। मैंने इसमें एवोकाडो या हम बटरफ्रूट इसे कहते हैं, उसे डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें पहले पालक चाहिए, और मैंने यहाँ एक डिफरेंट आइटम लिया है, एवोकाडो। एवोकाडो यानी बटरफ्रूट भी कहते हैं हम एवोकाडो को, तो ये वाला ऐसे है। उसका मैंने पल्प लिया है। मैं थोड़ा सा प्याज लूँगी, लेमन, हरी मिर्च, बटर, टमाटो, गार्लिक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा दूध। मैंने यहाँ दो तरह का ये लिया है बाद में डालने के लिए। आप कोई भी इनमें से कोई भी, आपको जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। पनीर लिया है और बेबी कॉर्न लिया है। मैं बेबी कॉर्न को थोड़ा सा मैं बॉयल भी कर लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पालक को ब्लांच करने के लिए पहले हम पानी को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। इसके बाद हम पालक डालेंगे और 5 से 8 मिनट तक हम उसमें रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 5 से 8 मिनट तक। उसके बाद हमें लगे कि पालक थोड़ा सा भी बॉयल हो चुका है, वो सॉफ्टनेस आ चुका है, तब हम पालक को निकाल लेंगे। पालक को हम आइस कोल्ड पानी में निकालेंगे, जिसमें हमने थोड़ा सा आइस क्यूब्स भी डाला है, ताकि पालक और बॉयल ना हो और उसका टेक्सचर, उसका कलर वो रिटेन हो सके। हमने लेमन जूस इसलिए डाला है क्योंकि पालक में रहे आयरन कंटेंट को हम रिटेन करना चाहते हैं। पालक जब ठंडा हो जाए तब हम ब्लेंडर में ब्लांच्ड पालक, एवोकाडो पल्प या आप कह सकते हैं बटरफ्रूट पल्प, थोड़ा सा दूध और हरी मिर्च डाल के हम ब्लेंड करेंगे। पालक की कंसिस्टेंसी को हम बहुत ही पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बनाएंगे, हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करेंगे। तो देखिए अब ये रेडी है, ऐसी कंसिस्टेंसी हम बनाएंगे, या तो कहीं इससे भी अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी बनाएंगे। अब हम बटर गरम कर लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जब भुन जाए तब हम उसमें गार्लिक डालेंगे या लहसुन डालेंगे। आप लहसुन को बहुत अच्छी तरह से भूनिए, उसका कच्चापन निकालिए पहले, ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो डिश में एक कच्चापन, लहसुन का कच्चापन फ्लेवर के रूप में आएगा। जब जीरा और गार्लिक या लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए तब आप इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे। प्याज और टमाटर हम बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे। मैंने इसमें एक छोटा सा प्याज डाला है और एक बड़ा सा टमाटर डाला है।
जब प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें पालक और एवोकाडो का पल्प डालेंगे, पेस्ट जैसे कंसिस्टेंसी का जो हमने बनाया है वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम बॉइल्ड जो ब्लांच करने के टाइम में हमने जो पानी लिया था हम वो भी ले सकते हैं, वो डालेंगे ताकि न्यूट्रिशन रिटेन हो सके। और गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और हम सेमी थिक कंसिस्टेंसी में इसे रेडी करेंगे। मैंने यहाँ दो इंग्रेडिएंट और डाले हैं, ये ऑप्शनल है। एक मैगी मैजिक मसाला पाउडर और दूसरा क्रीम। अब इसमें मैंने बॉइल्ड बेबी कॉर्न और पनीर दोनों डाला है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।